तो पुरानी लगा के दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट आए हैं इसका इंश्योरेंस क्लेम, इसका नहीं मतलब इसकी गाड़ी का। हाँ भाई, मेरा इंश्योरेंस क्लेम करा ले, ये मार दे, यहाँ बिठा के हम भी चले गए, कोई आया ही नहीं है, खाली बोतल दे रहा हूँ। अरे एक साल के भीतर हमने गाड़ी ठोक दी है, बहुत बुरे वाली, दिखा के होंगे कैसी डूबी है। चल चल चल, ये इसकी गाड़ी है, ये देखो कितनी ठुकी है, ये लग भी रहा तुमको, पता ठुकी भी है ये, भाई कमेंट करके बता देना अगर तुमको दिख रहा है ना कि ज्यादा लगी हुई है। तो ये देखो, ये क्या, ये गुटका खा के क्यों थूकता है इस पे, ये बाहर आ गया, इसको तोड़ दे भाई। ये मेरी गाड़ी है, इसके काले शीशे हैं, काले शीशे और कुछ नहीं है। हेलो, नहीं देख रहा क्या, ब्लैक वाले नहीं, वो मैंने हटवा दिया, तेरे जैसे भाई आगे खोलने लग जाते हैं ना फिर। क्या हो गया, क्योंकि मैंने भी लगवाया, तू तो लगवाता जाली जाली। और इसकी दिखाते हैं, अगर ये कुछ करता मिलता गाड़ी में, इसको ऐसे घूरके से शीशा फोड़ देना, के देख ले ऐसे। ये रहा भाई जेड ब्लैक। You have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get it. ये पता नहीं इसने क्या लिखवाया हुआ है, क्या है भाई ये? अबे साले, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, वो पुलिस पुलिस पकड़ती नहीं है, नाम देख के अपना नाम चलता है भाई, शीशे काले क्यों नहीं, तेरा नाम चलता है तो। भाई ये गाना सुनता रहा, सरकार तो साड़ी अपनी है, अपनी है भाई, तेरे को नहीं पता है। डागर ही बहुत बड़ा ब्रांड है, समझा। कभी आ रही हो टक्कर में, रील बना भाई। हाँ जी भाई, कैसा लग रहा है नेक्सा में आ गए भाई? सर उसके लिए आए इंश्योरेंस के लिए, देखते हैं, पहली बार ले रहा हूँ मैं, मेरे को पता नहीं है क्या क्या ले रहा है पहली बार। गाड़ी घोड़े चलेंगे तो भाई लगेंगे, भी लगेंगे तो ठीक भी हो जाएंगे। तो भैया आ गए हम बॉडी शॉप वाले, हम इनको दिखा देते हैं। बच्चे क्लेम लेने आ जाते हैं, तो वो फॉर्म ले आता हूँ, फॉर्म से हटके मिलना था ना, इंश्योरेंस क्लेम लेने आ जाते हो, और साइन कराने जा रहे हैं अब, उन्होंने तो भगा दिया हमें, बोलते जाओ साइन करा के आओ, बस बस भाई रोक ले। मेरे तो इंश्योरेंस में आए आज, तेरी में मारूंगा आज भाई। चलो जी भाई, इस रोड से आना में जहाँ भी खत्म नहीं हो रहा, इंश्योरेंस का फॉर्म वगैरह तो फिल कर दिया, बाकी गाड़ी और देख लेते हैं एक बार, ये तो जरा चल रही है इसकी, यहाँ डिटेल्स वगैरह फिल हो रही है, तो फोटोज वगैरह हो जाती है इसकी, डन ना, दो तीन दिन अप्रूवल में लगेंगे, फिर पार्ट्स वगैरह चेंज होंगे, रिपेयर होंगे, वो इनके ऊपर है। तो गाड़ी वगैरह हमने दे दी है, पेपर वगैरह हर चीज हो गई है, रिसीविंग इसको मिल गई है, और क्या कहते हैं, अगर ये रिसीविंग के बिना आएगा तो इसको भगा देंगे। रिसीविंग ठीक है ना, मेरी गाड़ी लेगा बाज लिया। हाँ, तो उसके बाद उस दिन हम दे के आ गए थे, तो दो तीन दिन उसको अप्रूवल में लग गए थे, 7 दिन के करीब में ठीक हो गई थी। हाँ। जब मैं लेने गया गाड़ी को, तो मैंने देखा कि लाइक गाड़ी तो हो गई थी ठीक, सही से ठीक हो गई थी। उसके बाद किसी ने है ना, मैंने उसके आगे जो टेप थी ना, वो मैंने टेप उतार के दी थी, तो उसका रेसिड्यू रह गया था, वो रैप का थोड़ा सा, उस चक्कर में मैंने उनको बोला था कि भाई इसको साफ कर देना, तो कोई उनका होगा वर्कर या क्या होगा, उसे ली अपनी कलाकारी कर दी उस पे, शायद पेचकस वगैरह से रगड़ हुआ था। हाँ, वो उसने बिल्कुल स्क्रैच ऑन स्क्रैच कर दी, उसकी मेरे पास वीडियो भी है। तो उसके बाद मैंने इसको बोला भाई ये इसको क्या, ये क्या कर दिया तुमने? कहते सर ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, रबिंग और पॉलिशिंग करनी, हो जाएगा बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। उन्होंने वो रबिंग पॉलिशिंग करी, पहली बारी में कुछ नहीं हुआ, दूसरी बारी में कुछ नहीं हुआ, तीसरी बार वो सर्विस वो जो प्रोवाइडर था मेरा, उसने बोला कि इसको अच्छे से रगड़ दे, छोटे से बहुत बहुत अच्छे से, उसको उसको वर्कर को बोला कि अच्छे से रगड़ दे बिल्कुल। अच्छा, तो उसने रगड़ दिया बिल्कुल, उससे वो लाइट ही ब्लर हो गई वो। मैंने उसको बोला भाई ये क्या कर दिया तुमने? कह रहा सर रुक जाओ पॉलिशिंग हो जाएगी। उसने उन्होंने इतनी बार पॉलिशिंग ट्राई करी, इतनी बार करी, मगा भाई एक काम करो मेरी नई लाइट लगा दो। हाँ।
उन्होंने बोला सर इतना 19-20 का ही तो फर्क है, ये है वो है। फिर मकान नहीं भाई मेरे को नीमिया नहीं लेके जा सकता ऐसे स्क्रैच वाली भाई क्यों ही लेनी है, ऑब्वियसली क्यों लेनी है। पहले तो उन्होंने कह दिया हम आप यही ले जाओ, फिर मैंने थोड़ा बहुत बोला तो वो कह रहे पुरानी लगा देंगे आपके में। भाई ये देखो ये लाइट है और दिस इज फॉर द प्रूफ, ये है जगमोहन मोटर नेक्सा सर्विस और सर मैनेजर हैं। मैनेजर कोई और है तो सर जो भी है मेरे को नाम पता नहीं है। इन्होंने मैंने दी थी इंश्योरेंस में, यहाँ पे स्क्रैच आ रखे थे उसकी वीडियो भी है मेरे पास, वो भी प्रूफ है। और ये अब जो मेरे को वापस मिली थी यहाँ पे सारे के इतने इतने स्क्रैच थे, मैंने बस ये बोला था यहाँ पे रेसिड्यू था थोड़ा सा टेप का वो हटा देना, तो उस चक्कर में इन्होंने सारे के यहाँ पे स्क्रैच मार रखे थे। उसके बाद मैंने बोला इसको थोड़ा देख लो सही हो जाए, उन्होंने कहा रबिंग वगिंग से हो जाएगी। अब इस वाली लाइट में वो आ गया है, थोड़ी ये ब्लर हो रखी है और ये वाली बिल्कुल क्लियर है जो दूसरी वाली है, और इस वाली में आ गया मॉइस्चर। और सर मेरे को कह रहे हैं कि मैं आपको पुरानी लगा के दूंगा अगर आपको चेंज भी करानी है तो पुरानी लगा के दे रहे हैं। और ये दिस इज़ फॉर द प्रूफ कि ये हुआ है मेरे साथ। ठीक है सर, ओके ठीक है सर। मतलब पुरानी क्यों लगा दोगे आप मेरे में, अगर पुरानी मेरे को काम कराना होता तो मैं करोल बाग जाता और क्या, या मैं रानी बाग या ऐसी जगह जाता। मतलब उन्होंने पुरानी कहीं ना कहीं से तो निकाल के लगाएंगे, या उनके पास पुरानी वो वहां से निकाल के लगाते, जैसे तेरी गाड़ी इंश्योरेंस में गई थी। नहीं नहीं तो सुन तो ले मेरी बात, तेरी गाड़ी इंश्योरेंस में गई थी। अब कोई कोई बंदा इतना जिद्दी आता है कि जान पूछ के अपनी लाइट डैमेज कर लाता है, वो डैमेज पीस तेरे में लग जाता, ऊपर का ग्लास चेंज हो जाता उस लाइट का। ग्लास की कॉस्टिंग कितनी होती है, 200-250 रुपए। मेरे को ऐसा लगता है वो क्या करते है ना, किसी और बलैनों की निकाल के मेरी में चेप देते और हाँ। मेरी जो थी उस बेचारे बंदे की चेप देते। मैंने बोला भाई देखो मैं ऑथोराइज सर्विस सेंटर आया हूँ, मैं नहीं करा सकता ऐसा काम, तो भाई बिल्कुल बिल्कुल टॉप काम चाहिए मेरे को, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट चाहिए। तो मैंने बोला चलो मैं आपकी पुरानी ले लूंगा, अगर वो अच्छी कंडीशन में हुई मैं ले लूंगा भी लगवा लूंगा, पर मैं अपनी लाइट अपने साथ रखूंगा। और वो ऐसे में मेरे को उसने वर्ड यूज करा लालच, कि आपको तो लालच आ रहा है। मगर यार इसमें ये बताओ, कल को अगर मेरी भाई लाइट जो उन्होंने लाइट लगाई है उसमें मॉइस्चर आ जाए भाई, वो तो एक सेकंड में कह देंगे, मैं वहां पे फंस गया फिर वो। तो उन्होंने भाई फिर एक लाइट मेरे को दिखाई थी, वो मेरे को भाई वो भी छोटे छोटे उस पर स्क्रैचेस थे और वो डब्बा भी ओपन भाई था। देख सेकंड हैंड होगी तो देख स्क्रैचेस तो दिखाएंगे कोई सी लाइट हो। एग्जैक्टली बोला मैं ये नहीं लगा सकता। तो उन्होंने मेरे को लिख के दिया है कि वो 5 तारीख से पहले, आज तारीख है 29 दिसंबर, उन्होंने मेरे को 5 जनवरी से पहले पहले ये प्रॉमिस कराया कि वो मेरे को नई लाइट देंगे। अब ये वीडियो तो उसके बाद ही डलेगी, बट ये जो है ना ये आपको सावधान, जो बंदे जो सर्विस कराने जाते हैं जो अपनी गाड़ी छोड़ देते हैं उनके लिए भाई ये को सावधानी है भाई, कि है ना ये लोग है ना ऐसे आपकी लाइट वाइट कुछ भी है ना ऐसे करके वो कर सकते हैं रिप्लेस। हेरा फेरी बहुत आसान है, बहुत आसान है। लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए और थोड़ा है ना कंपनी को भी ध्यान रखनी चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए भाई। बाकी हम आपको अपडेट दे देंगे कैसे उन्होंने हमें ट्रीट करा उसके बाद लाइट लगा। 5 तारीख के बाद ही डलेगी पर ये वीडियो है ना। हाँ नेक्सा से ये उम्मीद नहीं थी, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप किसी की लाइट पर स्क्रैच मार दोगे फिर आप उसको बोलोगे मैं पुरानी लगा दूं। इन बात ये है कोई अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता, फिर वो अगले बंदे को दिक्कत आती। हाँ वो किसी ना किसी का नुकसान करते। हाँ तो भाई क्या हुआ ध्रुव तेरे साथ? देखो एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो मैंने वीडियो बना लिया सारी, इन्होंने क्या करा एग्जैक्ट सीन ये हुआ। मैं अब इन्होंने मेरे को ये लिख के दिया है, इसमें लिखा हुआ है लेड लेफ्ट हेड लाइट न्यू पोस्ट NA इन वर्कशॉप, ऐसा कुछ है पार्ट NA इन वर्कशॉप, राइटिंग थोड़ी वैसी है। सम रबिंग स्क्रैच आफ्टर टेप रिमूवल फ्रॉम लेफ्ट हेड लाइट विल गिव न्यू हेड लाइट फॉर कस्टमर कंप्लेंट फॉर सेम। ओके ये लिखा के उन्होंने दिया और उन्होंने मेरे को बोला 5 तारीख से पहले पहले उन्होंने साइन कर दिया है, विकास नाम है शायद इनका मैनेजर का, तो इन्होंने साइन कर दिया, अपना नंबर दे दिया है। मगर चलो ठीक है अब 5 तारीख से देखते हैं भाई। ये आ गया है मंगोलपुरी आ गए, ये रहा नेक्सा का सर्विस स्टेशन जहाँ पे होएगा वो काम। चलो देखते हैं अब क्या होता है आज। बुलाया तो इन्होंने मेरे को टेक्स्ट किया था कि लाइट आ गई है, लगाते हैं कैसी लाइट है, सील है नहीं है, देखते हैं। 2000 years later. मैं आया हूँ यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे वो मिल गया था जिसने मेरी गाड़ी अटेंड करी थी, जो अटेंडेंट था और वो मैनेजर भी यहीं पे खड़ा हुआ है। मैंने उनसे पूछा आ रही है, तो कह रहे हैं आ रही है, चलो देखते हैं कैसी। मैंने पूछा सील डब्बा है, सील डब्बा है भाई, दिखा दे सील डब्बा, दिखा दे मेरे को, फिर लगा दे।
ठीक है जी लगा देते हैं हम। ओके भाई, उन्होंने मेरे को बोला था लाइट तो अभी है नहीं, लाइट वजीरपुर में है वो हम मंगा रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है यार, वजीरपुर से एक घंटा ही लगता है, एक घंटे से ज्यादा लगता नहीं है। मैंने बोला आप मंगा दो यार, उस टाइम पे टाइम हो रहा था 2:15 के करीब हो रहा था। मैंने बोला 3:30 तक आ जाएगी, उन्होंने कहा हाँ आ जाएगी। चलो फिर मैं आ गया था, क्योंकि मॉडिफाई हो रही थी अविनाश की कार, वो आपके चैनल पे वो भी दिख जाएगी। तो वो मुकुल बना रहा है, ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ। मर्सिडीज थोड़ी सी मॉडिफाई कराई है तो वो बहुत ही अच्छी लग रही है, उस वीडियो को भी देखना जाके, उसका लिंक होगा यहाँ पे। अब मैं वहाँ पे मॉडिफाई कराने के बाद मैं वापस जा रहा हूँ, देखते हैं अब क्या बोलते हैं। अभी उन्होंने टाइम दिया था 3:30 का, मैं हो रहे हैं 3:07, तो अराउंड मैं भी 3:15 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। 15 मिनट वहाँ थोड़ा बहुत वेट कर लूँगा, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं। हाँ तो भाई चल पड़े हैं, लाइट लग गई है, लाइट उन्होंने मेरे को वेट कराया थोड़ा आधे घंटे, बट अब फिर वो आ गया था बंदा लाइट लेके। लाइट ठीक लग रही है मेरे को, लाइक नई लाइट लग रही है बिल्कुल, उसमें पन्नी वन्नी भी चढ़ी हुई थी, अच्छे से पैकिंग वैकिंग थी उसकी। तो ये उसकी फ़ोटो है देखो, इस डब्बे में थी और इस पर ऐसा है कि मारुति का जेन्युइन मार्क ट्रेडमार्क टाइप। तो इस उससे मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर्विस दे के जो लोग छोड़ देते हैं गाड़ी को, कि होती रहेगी भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है हम छोड़ देते हैं, कंपनी को ट्रस्ट कर लेते हैं, क्या आप मतलब सच में कर सकते हो कंपनी को ट्रस्ट ऐसे? मतलब कि जब ऐसे मेरे को कह रहे थे पुरानी लगा देते हैं, चलो वो तो मैनेजर साहब अच्छे थे, मतलब उन्होंने मेरे को रेटिंग देने को भी बोला तो मैंने एक्सीलेंट ही दी है, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे को हैंडल करा, लाइट दे दी मेरे को। पर जैसे वो जो एडवाइजर है और वो जो बॉडी शॉप को जो मैनेज कर रहा था, वो बंदा कह रहा था कि पुरानी लगा देते हैं। तो कितनी ही आपकी गाड़ी सेफ है अगर आप ऐसे गाड़ी को छोड़ते हो, क्या पता आपकी लाइट कल को स्वैप हो जाए और किसी और की में लगा दें और आपको पता भी ना लगे। तो बीवेयर ऑफ लाइक दीज थिंग्स, बट आई एम हैप्पी कि मेरी को बदल दिया, अच्छे से उन्होंने मेरे को बदल के दिया, सच उन्होंने कोई तू मैं भी नहीं करी, बहुत प्यार से करी, एक्सपीरियंस ओवर मोर देन अच्छा था I would say। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिसके पास लाइक नेक्सा की कार है उसको जरूर शेयर करना, ताकि वो बंदा जान सके कि क्या आजकल है ऐसा, ऐसी चीजों को थोड़ा वो करे अगर कंपनी तो अच्छा रहेगा। तब तक चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।